अभिषेक ने पांडा गैंग से एक बहुत बड़ी अपील कर दी है। पांडा गैंग को वो ये कहते नजर आए कि कभी भी किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी गलत मत बोलना। तुम्हें पता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन दोगला है और कौन नहीं है। मुझे कुछ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर तुम लोग मेरे सच में मेरी फैमिली हो, मतलब पांडा गैंग हो, तो मुझे मालूम है तुम ये लोग, तुम सब जो है ये चीजें नहीं करते होगे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभिषेक ने इस बात का इशारा किसकी तरफ किया है। कुछ दिनों पहले जब टोनी कक्कड़ के साथ मनीषा ने एक वीडियो डाला, उसके बाद मनीषा को जो कमेंट्स आए, तो मनीषा को एक क्लैरिफिकेशन डालना पड़ा कि अगर हम किसी के साथ रील बनाते हैं या करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारा किसी के साथ कुछ चल रहा हो। मैंने हमेशा बोला है कि मेरा किसके साथ क्या है, मेरी अपनी इंडिविजुअल कुछ आइडेंटिटी है। तो क्या अभिषेक का इशारा इस बात की ओर था कि किसके साथ मेरा क्या है, क्या नहीं, कौन सच्चा झूठा, कौन दोगला, आप सबको पता है। तो क्या कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे कि किसी की भी ट्रोलिंग मत करो? क्या उनका इशारा मनीषा की तरफ था या एक नॉर्मल जो है वो अपने फैन क्लब से अपील कर रहे थे? आपको क्या लगता है इस बारे में? लेकिन उनका ये जो नए व्लॉग में उन्होंने ये जो अपील की है फैंस से, वो किस तरफ इशारा करती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।